आज हम सभी किसान कांग्रेस के भाई बहन यहाँ इकट्ठा हुए इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हिंदुस्तान को बताने के लिए कि जो अत्याचार पंजाब में किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखपाल खरा जी के साथ हो रहा है, जिनका अरेस्ट इलीगल तरीके से किया गया है, एक 2015 के पुराने मामले में जिससे उनको सुप्रीम कोर्ट से रिहाई मिल चुकी थी, आज इसी मामले को लेकर के वापस से भगवान मान ने अपनी जिद पूरी करने के लिए उन्होंने उनका अरेस्ट करवाया आज सुबह। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 2015 में यही वो भगवान मान है जिन्होंने सुखपाल खेरा जी के लिए सफाई पेश की थी और उन्होंने कहा था कि इनकी कोई गलती नहीं है और उसका एविडेंस भी है, उसके वीडियोज भी है, हम आप लोगों को वो शेयर भी कर देंगे। लेकिन आज वही व्यक्ति उसी केस में गुनहगार पाया जाता है और उसकी एक मर्जी तरीके से अरेस्ट किया जाता है। तो आज इस फेसबुक लाइव, इस ट्विटर लाइव के माध्यम से हम किसान कांग्रेस के लोग आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे, यदि भगवान मान ने अपने फैसले को वापस नहीं लिया और केजरीवाल ने इस पियक्कड़ भगवान मान को बुद्धि नहीं दी, तो हम किसान कांग्रेस के किसान और नौजवान पूरे हिंदुस्तान से भारी मात्रा में चल करके पंजाब पहुंचेंगे और फिर जो होगा उसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। आज मुझे एक चीज़ की प्रसन्नता और है कि कांग्रेस यूनाइटेड होकर के, एकजुट होकर के, इसके अन्य संगठन के लोग भी हमारे साथ में, उसके पदाधिकारी हम लोगों के साथ में यहाँ खड़े हैं, जो अपनी भावनाओं को इस फेसबुक लाइव के माध्यम से, ट्विटर के लाइव के माध्यम से आप लोगों के समर्थ आ रहे हैं। और हमको पूरा विश्वास है कि हम सभी भाई बहन मिल करके इस बार विजयी होंगे। धन्यवाद। वारंट को उन्हें गिरफ्तार किए हैं। सच्चाई ये है कि भगवंत मान सुन लीजिए और दिल्ली का जो सीएम मुखिया बने बैठे अरविंद केजरीवाल सुन लीजिए, आने वाला समय दूर नहीं है। वही किसान है जो तीन कृषि काले कानून को वापस कराए थे और रही बात हमारे अध्यक्ष को, अध्यक्ष हमारा बोलता है, सबकी आवाज उठाता है, इसलिए तुम उन्हें गिरफ्तार कराते हो। हमारा किसान पूरे भारतवर्ष में है, हमारे किसान का संगठन पूरे भारतवर्ष में है। अगर भगवंत मान, मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ, अगर भगवंत मान ये फैसला वापस नहीं लेते हैं तो बता देना चाहती हूँ कि दिल्ली सीएम का आवास का भी घेरा होगा और भगवंत मान के आवास का भी पंजाब चल के हम घेरेंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्याय दिलाएंगे। आज सभी हम यहाँ एकत्र हुए हैं, आज फिर से एक गैर सिद्धांतिक प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है और इस गैर सिद्धांतिक प्रक्रिया में वापस से जनता के बीच की जो भी आवाज उठेगी उसे उन पुराने मुद्दों पर वही घेरा जाएगा, वही पकड़ा जाएगा और उसी आवाज को वही दबाया जाएगा। इस गणतंत्र राज्य को वापस से बिखरने की पूरी साजिश है। जब तक ये अन्याय होता रहेगा, कांग्रेस पार्टी और किसान कांग्रेस हमेशा फ्रंट पर आकर अपनी लड़ाई और अपने मुद्दों के आधार पर जनता के हितों की रक्षा करेगी। इस तरीके से भगवंत मान जी ने सुखपाल सिंह खेरा जी को किसान कांग्रेस का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार किया, ये लोकतांत्रिक है। खुद भगवंत सिंह मान ने 2015 में कहा था कि जो सुखपाल सिंह खेरा जी पर जो केस चल रहे हैं सब ये झूठे हैं। जो 2015 में जो खुद आदमी बोलता था कि केस झूठे हैं, आज वो सच्चे कैसे हो गए? ये मुझे लगता है भगवंत मान के साथ साथ इसमें भाजपा का ही बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक इंडिया का अलायंस जो बना है, गठबंधन बना है, उससे भाजपा पूरी तरह से घबरा गई है और अलायंस के अंदर आम आदमी पार्टी भी शामिल है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है, मुझे लगता है वो दोनों तरफ की बजा रही है, भाजपा से भी इनकी साठगांठ है। नहीं, जिस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था उस मामले को क्यों उठाया? भगवंत मान के साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी और मोदी जी भी इसमें शामिल है। सुखपाल सिंह खेरा जी लगातार पंजाब में किसानों की, गरीबों की, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाना चाहता है, चाहती है सरकार, लेकिन ये आवाज़ दबेगी नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।